हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज आवर सेकेंड क्लास ऑफ साइंस। टुडे आज हम ग्रेविटी पढ़ू। ग्रेविटी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिवन आउट बाई प्लैनेट्स ऑन ऑल बॉडी लाइक ऑन और नियर इट्स सर्फेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का मीनिंग के होता है, ग्रेविटी वन टाइप ऑफ फोर्स, ये एक किस्म को फोर्स हो जो ऑल बॉडीज लाई आप पूरे प्लानेट को प्लानेट में कुछ भी ऑब्जेक्ट आपको सर्फेस के ताने फोर्स टाइप हो। अब यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम अर्क टपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाई फोर्स अफ ग्रेविटी इन अ फ्रीली फलिंग बॉडी। फ्रीली फलिंग बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता फोर्स अफ ग्रेविटी को कारण द्वारा हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्रीली फलिंग बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता फोर्स अफ ग्रेविटी को द्वारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिवाइडेड बाय कैपिटल स्मॉल जी एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को एसआई यूनिट के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर र इसको सीजीएस यूनिट हो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हम लोग भैया एसआई यूनिट ये भैया सीजीएस यूनिट तो याद रखें। वो हाउ कैन बी कैलकुलेटेड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट, कुछ भी प्लैनेट को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कसरी करने इसको हम लोग फर्मुला स्मॉल जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एन बाई आर स्क्वायर। कुछ प्लैनेट को ग्रेविटी कैलकुलेट करने जो फर्मुला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनु पड़े ये फर्मुला अप्लाई करने कैपिटल जी कैपिटल एन बाई आर स्क्वायर। अब इस हमें डेरिवेशन भी करूँ प्रूफ भी करूँ कहीं प्रूफ जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर भी भाई और समटाइम्स जी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर भी भाई प्रूफ कर प्रूफ कर सब फर्स्ट में हमें के चाहिए डायग्राम। डायग्राम में यह रेडियस भैया कैपिटल एम इट मीन्स रेडियस अफ प्लानेट मास अफ प्लानेट या सपोज स्मॉल बॉडी हम स्मॉल इट मीन्स यो प्लानेट में भएको अब्जेक्ट को मास स्मॉल एम। और इसलिए लैंग्वेज में लिखने लेट अस कंसीडर कैपिटल एम एंड कैपिटल आर बी द मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट स्मॉल एम बी द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इट। इट मीन्स स्मॉल एम भनेको मास अफ ऑब्जेक्ट हो जो प्लैनेट को प्लैनेट में ट्राइज कर। अब इस पीछे हमी याद होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही पढ़े न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के एफ इज इक्वल टू जी हमी कैपिटल एम स्मॉल एम यहाँ बाई आर स्क्वायर करो बेला पढ़ाखे हम पढ़े एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर। ये तो हम एम वन एम टू ले ठूलो बड़ी को मास सानो बड़ी को मास हो इसको ठाव में हम ठूलो बड़ी को मास एम सानो बड़ी को मास स्मॉल एम यहाँ जो डिस्टेंस है डिस्टेंस को ठाव में हम सकते रेडियस आर स्क्वायर राख सकता लेकिन दिस इज इक्वेशन फर्स्ट हियर डी इक्वल टू आर। अब इस अकॉर्डिंग टू
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम नई क्लास में पढ़े वाला F इक्वल टू एम ए पढ़े को छूते हैं हम यहाँ के लाचो तक एम डी लाचो बज ए को वैल्यू जी को वैल्यू एवटे हुन्छ एम डी सेमे हुन्छ तो यो हम के गर्दिए F इज इक्वल टू एम इक्वेसन सेकेंड कर दिए। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट व सेकेंड यूनिट को वैल्यू के सेकेंड इक्वेशन को वैल्यू के गर्यो फर्स्ट मा पुट गर्दियो यहाँ F इक्वल टू यो छ F इक्वल टू एम छ त यो F को ठाउँमा हामी एम दिराख्नु मिल्छ mg is equal to capital G capital M small m by r square small m cancel हुन्छ g is equal to capital G capital M by r square यही हामीले प्रूव गर्नु थियो एउटा अझै थियो g inverse proportional to 1 by r square त डाइरेक्ट यहाँ लेख्दै g inverse proportional to 1 by r square यहाँ लेख्दै कैपिटल जी एंड कैपिटल एम आर कॉन्स्टेंट लेकिन ये हम बुझ रहे हैं थ्री नंबर का एक प्रॉब्लम हो। अब ये जो हम ही फॉर्मूला प्रूव कर रहे हो जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर तो कुनै पनि प्लानेट को ग्रेविटी फाइंड करना या ग्रेविटी तो प्लानेट में भएको ऑब्जेक्ट को वेट फाइंड करना हम के गर्छौ यूज गर्दै गर्छौ सिंपली। अब हामी by r square बाट पहिला हामी लियो कैपिटल m हो अब ग्रेविटी को फार्मूला छ g कैपिटल g कैपिटल m by r square इट मींस कैपिटल g त हाम्रो इन्भर्स कन्स्टन्ट छ दैछ कुरा रह्यो मास एन्ड रेडियस याद राख्नु होला ग्रेविटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु मास अफ प्लानेट इट मींस मास अफ प्लानेट इन्क्रीज भयो भने ग्रेविटी पनि के हुन्छ इन्क्रीज हुन्छ र ग्रेविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस अफ प्लानेट इट मीन्स रेडियस सँग हाम्रो ग्रेविटी के हुन्छ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर रेडियस इन्क्रीज छ त बढी छ त कुनै प्लानेटको त ग्रेविटीको भ्यालु कम हुन्छ उल्टो अब यहाँ हेरिरहेको छ जी त हाम्रो कन्स्टेन्ट छ अगर एक्जाममा सोधियो कसैले सोधियो इन विच फ्याक्टर ग्राभिटी डिपेन्ड ग्राभिटी स्पेसली टु ग्राभिटी के कुरामा डिपेन्ड गर्छ मास अफ प्लानेट एन्ड रेडियस अफ प्लानेट ग्राभिटी डिपेन्ड गर्ने दुईटा फ्याक्टर छ मास अफ प्लानेट एन्ड रेडियस अफ प्लानेट दैट्स क्लियर ओके। अब यही हामी हेर्छौँ इफेक्ट्स अफ ग्राभिटी ग्राभिटीको इफेक्ट्स के छ ग्राभिटीको इफेक्टले के हुन्छ हाम्रो सिम्पली बुझ्ने हो भने वर्ल्डमा जे जति भइरहेको छ नि मुभमेन्ट्सहरू सबै के हुन्छ ग्राभिटीको इफेक्टै हो जैसे एयर ब्लोइंग वाटर के फॉल फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल मूविंग व्हीकल्स ये सब मतलब दुनिया में हमी ये घर उभि घर बना तो ग्राविटी को कारण नहीं हो हमी हिड़न सकि तो ग्राविटी को कारण नहीं हो तो सब ग्राविटी को इफेक्ट्स अब ग्राविटी के इफेक्ट्स अब ग्राविटी ग्राविटी को फर्मुला हम कसरी ग्राविटी को भैल्यू फाइन करने सिम्पल म एउटा इक्जाम्पल लिन्छु जस्तै हामीलाई थाहा छ यो अर्थ हो अर्थको रेडियस हामीलाई थाहै छ अर्थको रेडियस छ 6400 किलोमिटर एभरेजमा र अर्थको मास छ अर्थको मास हाम्रो 6×10^24 केजी जब कुनै पनि प्लानेटको मास र रेडियस थाहा भयो भने ग्राभिटी हामी अटोमेटिक पता लगाइहाल्छौँ ग्राभिटी इक्वल टु वाई यहाँ मास अफ अर्थ भन्नाले यो एक्जेक्ट अर्थको मास हो यो एक्जेक्ट अर्थको रेडियस हो 6×10^24 केजी भइहाल्यो ग्राभिटी हाम्रो मास अफ अर्थ रेडियस अफ अर्थ हाम्रो भइहाल्छ 6400 किलोमिटर भइहाल्छ किलोमिटर चाहिँ यसलाई मिटरमा चेन्ज गर्दा 6×10^5 मिटर भइहाल्छ हामीले फाइन के गर्नु छ त अर्थको
ग्रेविटी, अर्थ को ग्रेविटी वाट गर्छु होला हामीले थाहा छैन नि पहिले, तर कसरी हुन्छ त्यो हामीले ग्रेविटी को भ्यालु फर्मुला छ जीएम बाई आर स्क्वायर, जी को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11, मास अफ अर्थ हाम्रो दिएकै छ 6 इन्टु 10 टु द पावर 24, रेडियस दिएछ 64 इन्टु 10 टु द पावर 5 को होल स्क्वायर। अब सोल्भ गर्दाखेरि पहिला जस्तै यसलाई हामीले ठाउँमा राखिदिने 6.67 इन्टु 6 बेस सेम छ भने पावरलाई एड गर्दै 24 माइनस 11 गयो भने कति हुन्छ 13, बोथ को होल स्क्वायर हो 64 को होल स्क्वायर इन्टु 10 टु द पावर 10 भइहाल्छ। अब यो दुवैको मल्टिप्लाई गर्छु त हामीहरू आउँछ 40.02 इन्टु 10 टु द पावर 13 बच्यो, 64 को होल स्क्वायर गर्छु त 4096 आउँछ इन्टु 10 टु द पावर कति हुन्छ 10। अब यसलाई डिभाइड गर्ने यसलाई यो 40.02 छ या 4096 छ त्यो लोअर नम्बर बढी छ भने अवश्य 0.1 आउँछ, यसको भ्यालु हामी क्यालकुलेटरमा हेर्छौँ नि 9.77 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 आउँछ, क्यालकुलेटरमा यतिको सोल्भ गर्यो भने यति भएको आउँछ र 13 10 गयो हाम्रो के बचिहाल्छ 3, माथि गएर माइनस हुन्छ प्लस र माइनस क्यान्सल भइहाल्छ, 9.77 एड गर्न मिल्छ, यो हाम्रो के भइहाल्छ ग्राभिटी निकाल्ने तरिका हाम्रो यो। अब हामी ग्राभिटी त निकाल्दियौँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, सपोज यही प्लानेटमा एउटा 80 केजीको अब्जेक्ट छ, यानि कि यो प्लानेटमा जुन दिएको छ हाम्रो अर्थ 80 केजीको अब्जेक्ट छ भने यसको वेट कति हो, मास दिएको छ वेट फाइन्ड गर्न भनेको छ, तर वेटको फर्मुला हामी सिम्पली वेटको फर्मुला पढेको छौँ डब्ल्यू बाई टू एमजी, त मास हाम्रो 80 केजी दिइहाल्यो 80, ग्राभिटी ग्राभिटी हामी कति निकालेको 9.8, जति आउँछ त्यति न्युटन केभी आउँछ त्यसको वेट भइहाल्छ, त्यो स्टेसन ड्यू टु ग्राभिटीको मेन यो हो। अब यसको प्रब्लमहरू म तपाईँको वाट्सएप ग्रुपमा हालिदिन्छु, खालि ओन्ली स्टेसन ड्यू टु ग्राभिटी त्यो पनि हाम्रो यो बेसिक यो फर्मुलामा यसको क्वेसन्सहरू म हालिदिन्छु, सल्भ गरिसकेपछि हामी फेरि अर्को भिडियो बनाउँछौँ।